नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। जनपद ललितपुर के घंटाघर चौराहे पर आज टेट एवं सीटेट के बेरोजगार छात्रों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17,000 शिक्षकों की भर्तियों के लिए निकाली जाने वाली वैकेंसी का जमकर विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार छात्रों का कहना है कि 1,00,000 से ज़्यादा टेट और सीटेट के बेरोजगार छात्र 3 साल से घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई और अब जब भर्तियां निकाली गई हैं तो वे भी ना के बराबर। इतनी कम भर्तियों से बेरोजगार छात्रों का भला नहीं होगा। घंटाघर पर धरना प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों टेट और सीटेट के बेरोजगार छात्रों ने मांग करते हुए कहा कि हमें सरकार का यह लॉलीपॉप नहीं चाहिए, सरकार को कम से कम 97,000 शिक्षकों की भर्ती निकालना होगी, तभी बेरोजगार छात्रों का भला हो पाएगा। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बेरोजगार छात्र मतदान का बहिष्कार करेंगे। लोग क्या मांग कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम लोग नई प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। हम लोग 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। सभी लोग उसी के लिए 97,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर आज एकत्रित हुए हैं। उसी की मांग के लिए ही सरकार से और शिक्षा मंत्री से भी यही मांग करते हैं कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें। हम लोग 3 साल से टेट और सीटेट पास किए हुए बैठे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी नहीं की गई है। हम लोग 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। जो आपने आंदोलन करा उसके और भी चलेंगे क्या आपके? हम लोग ऐसे ही आगे आंदोलन चलता रहेगा जब तक नई शिक्षक भर्ती जारी नहीं हो जाती है। घंटाघर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या मांग, किस चीज़ का प्रदर्शन? आज लोग हम लोग घंटाघर पे बेरोजगारों का समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। इनकी जो मांग है 97,000 शिक्षक भर्ती की, उसको तत्काल लागू किया जाए और योगी सरकार से ब्रह्म निवेदन है कि बेरोजगारों के साथ न्याय किया जाए। बेरोजगारों की जो भी मांग है सबको रखे हुए हैं। चीज का आंदोलन कर रहे हैं, क्या है आप लोगों की मांग? हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो सरकार ने वो ऐलान किया है कि 17,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे, जबकि 21,00,000 छात्र ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और BTC BEd किए हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 97,000 मतलब 1,00,000 पद तो निकले, जिससे जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। क्या फायदा हम लोग का BTC BEd करने का जब हम लोग को शिक्षक भर्ती नहीं आनी है, हम लोग को रोजगार प्राप्त नहीं होना है। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपने 17,000 कह दिया, 17,000 में कहा गया है कि 51,000 पद खाली हैं और जब से कहा गया तब से कई लोग रिटायर हुए, तो वो पद भी जुड़ गए। कम से कम 97,000 आप लोग जारी करें। 22,500 में भी 22,000 पद खाली रह गए थे, वो सब जोड़ के आप कम से कम 1,00,000 पद तो दीजिए, जिससे हम लोग को रोजगार प्राप्त हो। क्या फायदा हम लोग बैठे रहे कर करके शिक्षा प्राप्त करके पढ़ लिख के? अगर बेरोजगारी रहना है तो हम लोग बिना पढ़े लिखे अच्छा है, फिर तो इससे अच्छा। जैसे ही बेरोजगार छात्रों को पता चला कि क्षेत्रीय सांसद और विधायक ललितपुर के बयाना नाला पर बनने वाले पुल का भूमि पूजन करने आए हैं, तो सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार छात्र भूमि पूजन स्थल के लिए पैदल ही कूच कर गए। इस दौरान छात्र सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी बयाना नाला के पास छात्रों की पुलिस से भी हल्की फुल्की नोकझोंक हुई। भूमि पूजन स्थल पर पहुँचे छात्रों ने झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद पंडित अनुराग शर्मा को भी अपनी मांगों से अवगत कराया। इस पर सांसद ने प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को आश्वासन देते हुए कहा कि टेट एवं सीटेट के बेरोजगार छात्र छात्राओं के लिए निकाली गई 17,000 भर्तियों को बढ़ाकर 97,000 करने के लिए संबंधित विभाग से पत्राचार और फोन पर वार्ता की जाएगी। क्षेत्रीय सांसद को अपनी मांगों का ज्ञापन देते हुए बेरोजगार छात्र छात्राओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और सभी बेरोजगार छात्र छात्रा आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। बच्चों ने अपनी डिमांड रखी, बच्चों का कहना है कि अगर 97,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई तो उनका लाभ हो जाएगा। तो ये तो आप लाभ तो बहुत सारी चीजों में होता है, इसमें भी हो जाएगा, तो ऐसी चीजें नहीं है। हमारे ललितपुर के बच्चे हैं, मैंने उनसे कहा है कि मैं इस चीज को स्टडी करवा रहा हूँ
और मंत्रालय जाकर उनकी, मेरे ही बच्चे हैं सब ललितपुर के, तो मैं ललितपुर के बच्चों के लिए, झांसी के बच्चों के लिए आदरणीय मंत्री जी के ऑफिस से समय लेकर दिल्ली जाकर उनकी बात रखने जा। उन्होंने जब कहा कि अगर 97,000 भर्ती नहीं होंगी तो हम वोट नहीं देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट देना उनका अधिकार, और वोट सब जनों को देना चाहिए, चाहे हम नाराज हो चाहे खुश हो, हर जने को अपना वोट डालना चाहिए, चाहे मेरे लिए डालें या मेरे खिलाफ डालें, वो आपका जन्म सिर्फ एक अधिकार है जो हमको हमारा डेमोक्रेसी देती है, उसको हमेशा उपयोग करना चाहिए। सांसद जी, आज आपने एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया जी भैया, जो तक क्या है निर्माण, कहाँ से कहाँ तक कितना समय लगेगा? समय हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।